गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सेंटर, सेंटर ब्यासी नालंदा। जैसा कि अब आपको पता है सभी लोग कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है, दो तीन दिन पहले रिजल्ट निकला हुआ, नया बैच है। नया बैच की सबसे बड़ी कमी क्या है, एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना चाहता है, उससे क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाता है। आपको बार बार बोला थोड़ा थोड़ा सीखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक हफ्ते का खाना एक दिन में खा सकता है? इज देयर एनीवन? कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक सप्ताह का यानी सात दिन का खाना एक दिन में खा के आराम से हजम कर सकता है? नहीं है। तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगा, किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है। आप लोग सोचिएगा कि नहीं आज ही सब कुछ करके चल जाए। मेन मोटो रहेगा आपका 50 नंबर दौड़ जो सुबह में कराता हूँ, पहले 50 नंबर फोकस कीजिए, फिर 25 नंबर गोला और 25 नंबर हाई जंप। अगर आप 50 नंबर गोल ये रनिंग और 25 नंबर गोला ले आते हैं 75 नंबर, और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई भी करते हैं हाई जंप में 13 नंबर लेते हैं तो भी आपका मेरिट नहीं हटेगा, ये बस गारंटी है। आप चाहे तो हम लिख के दे सकते हैं। अब रही बात कि ट्रेनिंग का जो समय है, जो आपको मैंने वेलकम किया था जिस दिन स्टार्ट हुआ था कि मैंने आपका बुद्धा में आपका स्वागत है, तो ये जो दो सर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मैंने इनका भी स्वागत किया था, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा है इनका वो सर खुद बताएंगे। आपके बीच में दो शख्स हैं, जो ये हमारे भवन सर हैं जो इस बैच का जो दरोगा पास हुए हैं, दरोगा मेरिट लिस्ट बना है, इसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। फिर सुधीर जी हैं, इनका भी इन्हीं के साथ सिलेक्शन हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां। अब बात यह आती है कि दोनों सर जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखते थे, फिजिकल से कोई मतलब नहीं था, कि बीपीएससी के स्टूडेंट और जो तरह तरह के एग्जाम देते थे जिसे फिजिकल की कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने दरोगा का पीटी और मेंस क्वालिफाई कर लिया तब लगा कि जो चीज सामने आ गया उसको क्यों छोड़ा जाए। और ये जो भवन सर है ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो नोटिफिकेशन निकला था दरोगा का उस समय मेरे पास आए और एडमिशन लिए, बोले सर हमको दरोगा बनना है और इसी बार बनना है, हमको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं। रात रात भर पढ़ते तो सुबह बिना सोए हुए आ करके आपको फिजिकल करके जाके तब सोते थे क्या? और सुधीर जी के बारे में बताता हूँ, अपने पास जितने भी आदमी थे टैलेंटेड थे, सभी टैलेंटेड है, ये कहीं कोचिंग नहीं किए जा करके पढ़ाई के क्षेत्र में, ये बार बार दरोगा वाला एग्जाम पास हो जाते थे लेकिन कभी बुद्धा की तरफ नहीं ध्यान दिए, एक बार ध्यान दिए और इनका फाइनल सेक्शन हो गया, इनका जोरदार तालियां। अब बात आता है कि बिना कड़ी मेहनत के, बिना सीन पेन के, बिना पसीना बहाए अगर इनका कामयाबी मिल जाता है तो सर सामने पूछ लेते हैं, बताइए सर आप। जैसा कि पता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हुआ है 2020 बार का, पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें, और जहाँ तक मेरे सिलेक्शन की बात है मैंने तो दो बार पहले भी दिया था लेकिन बार बार मेरा फिजिकल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं फिजिकल के लिए वर्क करता ही नहीं था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती थी, लेकिन इस बार जब रिजल्ट हुआ और पहले से भी हल्के हल्के मैं दौड़ बनाए रखा, और सर बबन सर ने मुझे गाइड किया कि चलो सर के पास थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा आपका दौड़, उसके बाद सर को मैंने ज्वाइन किया, तब देखा गया कि धीरे धीरे मेरा दौड़ जो है इम्प्रूव हो रहा है, और सर के जो गाइडलाइन थे उसको हम लगातार फॉलो करते गया और अंततः मेरा फाइनल सिलेक्शन इस बार हो गया। आप बताइए अपने बारे में। बस यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपकी जो मेहनत है वो मेहनत कभी हमें बेकार नहीं जाता है। अब जो मैंने तो यहाँ पर स्टार्टिंग जब नोटिफिकेशन निकला उसी समय से हम सोच लिया कि दरोगा बनना है, और दरोगा बनना है तो क्या चीज़ होता है, कोई भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए उसके लिए जुनून चाहिए। मैं यहाँ नींद भी नहीं आता था, रात रात भर जाके पढ़ना प्लस यहाँ जाना सोने बिना सोए हुए, मैं सोचा था कि बस हमको कुछ करना है तो मैं याद आता था, और यहाँ जो दीपक सर था इनका जो गाइडेंस है ये हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं और लोगों को हमेशा ही बूस्टअप देते रहते हैं, और इनका बात को फॉलो किया सब लड़का सब ने सक्सेस पाया। अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का दिक्कत के सिन पेन मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द है, तो सर लोगों से पूछ लीजिए
ये समस्या हर किसी को झेलना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि आया फ्रेश दौड़ा और निकल गया बिना दर्द का। आप लोगों को फिजिकल के लिए पेन तो झेलना पड़ेगा ही, और वो पेन दौड़ते दौड़ते ही जाएगा। अगर पेन है और सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लगातार दौड़ते रहें और उस पेन को कंट्रोल करने के लिए भी तैयार रहें, तब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा। पवन सर, हमारे आर्मी के भाइयों को विचार है मन में कि अगर हम दौड़ लेते हैं तो पढ़ाई नहीं थे, पढ़ते नहीं है। आप तो रात भर पढ़ के भी रात दिन में दौड़ के फिर पढ़ते थे। जैसे क्या है ना कि कोई भी चीज को आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एक हमारे एक पार्ट बन जाता है। आप एक स्टडी, वो भी क्या है, हमारा जो फिजिकल है, हम लोग बहुत मेहनत कर लिए, बहुत मतलब आउट ऑफ 100 हम 90 मार्क ले आए, और जब जाके फिजिकल में हम जीरो हैं तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 90 मार्क आपका जीरो हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका फिजिकल इम्पोर्टेंट होता है जो भी एग्जाम में, वो भी क्या है, तो उस पर भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल का एक अलग टाइम रखिए और रनिंग तो सॉरी जो आप लोग पढ़ते हैं उस पर फोकस करते रहिए, तो वो साथ में जाएगा, उससे कोई बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमारा पार्ट बन जाता है बॉडी का। आप लोग सब समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप पूछे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे बीच में आपके जो सीनियर्स हैं, जिस चीज के लिए आप तैयारी करें जिस थाना में, तो आपके सामने थानेदार जी पहले से मौजूद हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। इनके भैया हम बुद्धा से लिए है, हम उन्हें दौड़ा लिए, कमरा छोड़ दो घरे जेब वो नहीं। आपको पता होना चाहिए तकरीबन जिले में यहाँ से लड़के और लड़कियां गए हुए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे भी, कॉन्स्टेबल में भी, बिहार उत्पाद में भी, आपका फॉरेस्ट गार्ड में, हर जगह गए हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक अच्छी टीम और एक अच्छे समाज का बनाएंगे। तो आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने जोश बढ़ाया। पिताजी हुए और सेना में ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी कैप्टन एक पोस्ट होता है, आप सबको पता होगा, अगर पढ़ते होंगे रैंक वाइज जो है उसमें आपको पता होगा। उससे रिटायर्ड है भारतीय सेना में, उन्होंने 32 साल सेवा दी है। इसके बाद यहाँ पे योगा वगैरह कराते हैं, बाबा रामदेव का जो योगा वाला है उसमें अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी भी काफ़ी है जब पापा का, लेकिन काफ़ी एक्टिव है, आप देखे होंगे बीच बीच में आपके साथ आते हैं। तो जिस व्यक्ति का, लड़का या लड़की, जिसको प्रॉब्लम हो जाता है, जो हमसे नहीं ठीक हो पाएगा, तो पापा आपको हफ्ता में एक दिन या दो दिन समय देंगे, जिससे आपकी मांसपेशियों जो मसल खींच जाता है, जैसे लगता है कि अब हमसे ये अड़क गया, अब नहीं हो पाएगा। बहुत नॉलेज है पापा का, क्योंकि सेना में जो काम हम यहाँ सेना छोड़ के कर रहे हैं और सेना में कर देते हैं, पिताजी ने 17 साल उस चीज़ को रुड़की में, रुड़की एक जगह उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, सिविल इंजीनियरिंग का, IIT रुड़की, नाम सुनेंगे आप लोग। तो वहाँ पे कोच रह चुके हैं सेना में, जो सेंट्रल टीम होती है, यानी इंडिया लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं उनको तैयार करते थे, बॉडी बिल्डिंग जो देखते होंगे ऐसे बॉडी बना करके, और वेट लिफ्टिंग। पापा कोच थे, हम लोग तो उतना नॉलेज नहीं है जितना पापा का है, लेकिन हम रिक्वेस्ट किए पापा से कि बहुत सारे नए स्टूडेंट आए हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनको ये दिक्कत हो गया है कि किसी को यहाँ पेन, किसी को यहाँ पेन, और ये पेन होता है दो कारण से। पहला, एक दिन ज़्यादा वर्कआउट कर लीजिए, दूसरा आप अगर आपकी मांसपेशियाँ कमजोर रहता हो। बाकी पिताजी आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, उसके हिसाब से।